अनंतनाग में बुधवार को शहीद हुए न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह अंतिम सफर पर निकल गए हैं। उनकी पार्थिव देह घर पहुंच गई है, जहां परिवार और लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनकी पार्थिव देह चंडी मंदिर आर्मी कैंट से चंडीगढ़ के रास्ते न्यू चंडीगढ़ लाई गई। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भड़ौजिया में किया जाएगा। शहीद कर्नल को अंतिम विदाई देने के लिए लोग सडीड डेकों पर उतर आए हैं। भारी संख्या में भीड़ डिड्डे उनके घर के बाहर जमा है। उनकी पार्थिव देह घर पहुंचने पर लोगों ने फूल बरसाए। थोड़ी देर में उनका पैतृक गांव भद्दौजिया में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत ग्रेवाल हरियाणा के पंचकूला में पिंजौर सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उनके दो बच्चे 7 साल का बेटा कबीर और 2.5 साल की बेटी बानी हैं। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब सरकार की तरफ से मोहाली से MLA और राज्य की टूरिज्म मिनिस्टर अनमोल गगन मान अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की मां मनजीत कौर ने बताया कि वह अक्सर TV पर जम्मू एवं कश्मीर की खबरें देखती थीं। जब से उनका बेटा जम्मू कश्मीर में तैनात हुआ था तो उन्हें लगता था कि किसी दिन वह TV पर उन्हें दिख जाएगा, लेकिन जिस दिन बेटे की खबरें TV पर चली उस दिन वह किसी वजह से TV नहीं देख पाई। TV पर अपने बेटे को देखने की ख्वाहिश उनकी अब हमेशा के लिए अधूरी रह गई है। शहीद कर्नल के साथ पढ़े गांव के दीपक सिंह ने बताया कि मनप्रीत बचपन से ही काफी बहादुर थे। वह जो ठान लेते थे उसको पूरा करके ही रहते थे। 2021 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे आतंकवादियों का सामना किया था और उन्हें ढेर कर दिया था। इसके बाद उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। मनप्रीत सिंह 1900 राष्ट्रीय राइफल के कर्नल थे। सेना की इसी बटालियन ने 2016 में आतंकी बुरहान वाणी को ठिकाने लगाया था। चंडीगढ़ कुराली हाईवे पर गांव भड़ौदिया के पास जूस की दुकान करने वाले बिल्ला ने बताया कि शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह बहादुर ही नहीं बड़े दयालु इंसान भी थे। जब भी वह छुट्टियों पर घर आते थे तो उनकी दुकान पर जूस पीने जरूर आते थे। उनकी दुकान पर काम करने वाले लड़कों से बात कर उनकी समस्या जानते थे, फिर हर संभव मदद की कोशिश करते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।